नतमस्तक हो उसके आसन में, आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर है गाए उसके उपवन में, आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। वही पावन है वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही, वही पावन है वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही, प्रकाश है सारे जग का वो ज्योति भरने तन मन में, साकार करे नव आत्मा संचार करे और हृदय में साकार करे, वही वचन जो जीवन ज्योति अंकित कर दे अपने मन में, आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर है गाए उसके उपवन में, आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो, शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो, जो चाहो मिलेगा तुम्हें, रख विश्वास अपने मन में, आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर है गाए उसके उपवन में, आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। वही पावन है वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही, वही पावन है वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही, प्रकाश है सारे जग का वो ज्योति भर ले तन मन में, आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर है गाए उसके उपवन में, आओ चले आओ चले आओ चले आओ
संचार करे, नव आत्मा संचार करे, हृदय में साकार करे, वही वचन जो जीवन ज्योति अंकित कर ले अपने मन में, आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में, आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र दिया, मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। आज के मिस्सा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता आदरणीय धर्माध्यक्ष एलायस गोंसाल्विस, हमारे पल्ली पुरोहित फादर यशुराज, सभी पुरोहितगण, उपस्थित सभी धर्म बहने, शिक्षकगण, माता पिता, धर्म माता पिता तथा सभी पल्लीवासी, आज हम सब दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने जा रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग इस शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम पिता ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त, पवित्र आत्मा तथा पवित्र कैथलिक कलीसिया के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। पवित्र तेल से अभिषिक्त होकर पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण कर हम ईश्वर के द्वारा नियुक्त राजा, पुरोहित और नबी बन जाएंगे। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी अपने लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की बुलाहट को पहचान सके, पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा उन कार्य को कर सके जिसके लिए ईश्वर ने हमें चुना है। आइए हम सब मिलकर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। सभी को जय सु। आज के दृढ़करण संस्कार के मुख्य अनुष्ठाता हमारे आज बिशप स्वामी जी, मोस्ट रेवरेंट एलायस गोंसाल्विस हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। मैं पल्ली पुरोहित फादर यशुराज से आग्रह करता हूँ कि एक बुके देकर स्वामी जी का स्वागत करें। हम सभी ताली बजाएंगे। हम सब खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय फादर्स, सभी सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के ध्रुवीकरण संस्कार स्वीकारने वाले उम्मीदवार, आज बड़े आनंद से हमारे नौजवान इस संस्कार का स्वीकार करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपने पाप स्वीकार करें, अपनी दुर्बलताएं, हमारे प्रवृत्ति जो हमारे मूल्य जीवन है उनके विरोध में जाते हैं, इसलिए हम ईश्वर से दया याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैंने तिकवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु अरे हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, अरे हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम है पापी द्वार खड़े, महिमा महिमा ईशु महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो, महिमा महिमा ईशु महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो, शांति ऊपर जाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईशु महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो, महिमा महिमा ईशु महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। धन हम कहते हैं तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अल जल थल नब गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा ईशु महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो, महिमा महिमा ईशु महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। यीशु मसीह जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे, ईश पिता का पुत्र धरा पर
पाप मिटा कर जग को सवा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो अब तल तल नभ गाए महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा ईश महिमा पावन तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे इस पिता की महिमा में त्रिएक महिमा होती रहे तेरी महिमा हो अब दल दल नब गाए महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो स्वर्ग में हो महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो हम प्रार्थना करें हे प्रभु हम पर अपना पवित्र आत्मा को भेज दे जिसकी तूने प्रतिज्ञा की थी हम उसके सामर्थ्य से समस्त संसार के समक्ष प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का साक्ष्य दे सके जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं आमीन नबी एज़ेकियल का ग्रंथ प्रभु का यह कहना है मैं तुम लोगों पर राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा मैं तुम लोगों पर जल छिड़का दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सारे देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा यह प्रभु की वाणी है ईश्वर को धन्यवाद आपका अनुवाक्य होगा सभी राष्ट्रों में प्रभु की महिमा का बखान करो सभी राष्ट्रों में प्रभु की महिमा का बखान करो प्रभु के आदर में नया गीत गाओ समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो
अनुवाक्य सभी राष्ट्रों में प्रभु की महिमा का बखान करो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य सभी राष्ट्रों में प्रभु की महिमा का बखान करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। अनुवाक्य सभी राष्ट्रों में प्रभु की महिमा का बखान करो। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। अनुवाक्य सभी राष्ट्रों में प्रभु की महिमा का बखान करो। A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians, chapter 12, verse 4 to 13. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, but the same Lord is served. There are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all for their particular service. The Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. The Spirit gives one person a message full of wisdom, while to another person, the same Spirit gives a message full of knowledge. One and the same Spirit gives faith to one person, while to another person, He gives the power to heal. The Spirit gives one person the power to work miracles, to another, the gift of speaking God's message, and yet to another, the ability to tell the difference between gifts that come from the Spirit and those that do not. To one person, He gives the ability to speak in strange tongues, and to another, He gives the ability to explain what is said. But it is one and the same Spirit who does all this. As He wishes, He gives a different gift to each person. Christ is like a single body which has many parts. It is still one body, even though it is made up of different parts. In the same way, all of us, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free, have been baptized into the one body by the same Spirit, and we have all been given the one Spirit to drink. The word of the Lord. Thanks be to God. Jai Ghosh. जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पुनर्सत्य तक ले जाएगा, और मैंने तुम्हें जो कुछ बताया यह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखलाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले उम्मीदवार खड़े हो जाएं। आदरणीय धर्माध्यक्ष जी, पवित्र आत्मा पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप इन उम्मीदवारों को दृढ़ीकरण संस्कार प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य पाए गए हैं? उनके धर्म शिक्षकों के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार वे योग्य पाए गए हैं। हमारे प्रभु यीशु और अपने मुक्तिदाता के नाम पर हम उन्हें दृढ़ीकरण संस्कार के लिए स्वीकारते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब तालियां बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दें। आदरणीय फादर्सगण, सभी दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकारने वाले उम्मीदवार एकदम तैयार है। अभी संस्कार स्वीकारने के लिए वो बैठते भी नहीं है, बैठ जाओ। उन्हें लगता है कि एक बार हमें दृढ़ीकरण संस्कार मिल जाने के बाद हम छूट गए ना? नहीं। ओके, तो आज हमारे इन 28 बच्चे हैं ना, तो इन उम्मीदवारों को दृढ़ीकरण संस्कार दिया जाएगा। आज हमारे पल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण और आनंद का दिन है, क्योंकि ये हमारे नौजवान लोग अपने दिमाग का और अपने हृदय का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि हम हृदय से ईश्वर पर, यीशु पर प्यार करते हैं और हमारे दिमाग से हम उन पर श्रद्धा रखते हैं। और यही कहने के लिए ये यहाँ आए हैं और अपने सब माता पिता, अपने रिश्तेदार इस बात की एक साक्ष है कि आपके सामने ये हमारे नौजवान इस संस्कार स्वीकारने जा रहे हैं। आज के पहले पाठ में आप बराबर सुना होगा तो यह जिकल जो नबी था
उसने शब्द को पहले जो कहा था वो हमारे जीवन में अपेक्षित है। उस आज के पाठ में पहला सेंटेंस है, कौन मुझे बराबर बोल के दिखाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किसको याद नहीं है, अभी अभी सुना आप लोगों ने, पहला सेंटेंस फर्स्ट शब्द जो सुसमाचार में भी कहा गया, तो इसका अर्थ क्या होता है हम यहां से सुनते हैं या यहां से बाहर निकालते हैं। तो ये जो सुसमाचार सुनते हैं, ये जो पाठ पढ़ाए जाते हैं, ये हमारे लिए ईश्वर का शब्द है। और यह शब्द सुनकर हम हमारे जीवन में एक अनुशासन लाए, हमारे जीवन को एक दिशा प्राप्त करें। तो हेजकेल कहता है कि ईश्वर हमारे लिए एक नया संदेश दे रहा है कि वो हमारे जीव हमारे हर एक ईश्वर के संतान पर उनका पवित्र जल डालेगा, छिपड़ेगा, और उसके द्वारा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो ये शुद्ध शब्द आज के तीनों पाठों में हमें मिलता है, हम शुद्ध हो जाएंगे। तो आपको पवित्र जल कभी छिपड़ाया गया, हाँ कभी बैप्टिज्म में पवित्र जल छिपड़ाया गया, आपने देखा क्या, नहीं देखा, आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे और तभी आपको इस पवित्र जल से शुद्ध किया गया। और ये शुद्धता खाली बाह्य है क्या, पानी डाल के हम साफ करते हैं ना, आपके माता पिता तो आपको हमेशा नहाते थे तो आप शुद्ध होते थे ना, होते कि नहीं, वो बाह्य शुद्धता करते हैं, लेकिन ये शुद्धता कहाँ की है, बपतिस्मे में अंतर्याम की शुद्धता हमें की जाती है। हम हमारे अंतकरण में, हमारे हृदय में शुद्ध होते हैं। और यह जिकल उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपके शरीर से पत्थर का हृदय निकालूंगा और क्या दूंगा आपको, रक्त मांस का हृदय, रक्त और मांस का हृदय दूंगा। किसी के पास पत्थर का हृदय है क्या, वो चलेगा क्या? यज्ञिकल क्या कहना चाहते हैं, पत्थर किसको दिया गया था, पत्थर पर आज्ञा दी गई थी ना, किसको दी गई थी, मोसेस, मूसा को दी गई थी, वो पत्थर पर आज्ञा दी गई थी। अभी यीशु हमारे हृदय पर उनकी आज्ञा लिखेंगे, किसके द्वारा, उनके खुद के शरीर और रक्त द्वारा, उनके मांस और उनके रक्त द्वारा, उनके लहू द्वारा वो हमारे हृदय से एक नया करार करेंगे। मूसा का करार कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, अभी अभी आप लोगों ने बोला पत्थर पर किया गया था, लेकिन यीशु कहाँ करेंगे, हमारे हृदय पर, उनके हृदय से जो लहू और पानी बाहर आ गया, वो पानी हमारे लिए बपतिस्मा का शुद्ध, कि यीशु का हृदय शुद्ध था क्या, नहीं शुद्ध था ना, तो वो ही पानी
हमारे लिए बपतिस्मा में दिया गया, उनसे हमारा जीवन शुद्ध हो गया और उनके लहू द्वारा वो हमारे हृदय पर एक नया करार करता है, नया विधान लिखता है। जो जुना विधान था वो पत्थर पर था, क्योंकि इंसान के हृदय पत्थर जैसे थे, उस हृदय का पलटवार किसमें किया गया? उस हृदय का पलटवार मांस और रक्त पे किया गया। तो ये जो फर्क है वो यह चित्र संदेश थाने नबी ने सालों शतकों पहले कहा था कि ऐसा होने वाला है। और कौन करने वाला है? कौन करने वाला है? यीशु क्रिस्त करने वाला है। जुना विधान को नया विधान से परिपूर्ण करने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहां आए हैं कि जिस बपतिस्मा में हम शुद्ध की गए थे, उस बपतिस्मा में ही हमें क्या मिला था? और क्या मिला था जो आज आप पाने वाले हैं? पवित्र आत्मा मिला था ना? तो वो पवित्र आत्मा आज हमें फिर एक बार अभी दिया जाएगा, इस संस्कार के द्वारा, इस पवित्र तेल के द्वारा हमें वो संस्कार दिया जाएगा। यीशु आज के सुसमाचार में क्या करते हैं? किसको चंगाई देते हैं? कौन चंगा हो, किसको चंगाई प्राप्त होती है? कोढ़ी को? तो एक ही सभी लोग ने सुना लेकिन भूल गए। एक कोढ़ी को शुद्ध करते हैं। यीशु कहते हैं कि आप शुद्ध हो जाए ना। यह एक कोढ़ी प्रतीकात्मक रूप से हमें हमारे सामने दिया जा खड़ा किया। एक कोढ़ी मतलब वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी कोढ़ी है, वो खाली बाह्य शरीर बाह्य रूप से कोढ़ी था, हम हमारे दिल में कोढ़ी होते हैं ना। क्यों, किस प्रकार से कोढ़ी होते हैं दिल में? हमारे दुर्बलताओं से, पाप से, हमारे जो अपराध है वो हमें दूषित करता, दुर्गुण अपराधी बनाता, हमें दुर्गुण देता है। और इसे हम क्या बनते हैं? शुद्ध बनते हैं क्या? हमें क्या बनते हैं? अशुद्ध बनते हैं। और यही आज के सुसमाचार में यीशु उस कोढ़ी से कहता है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तो कोढ़ी क्या कहता है? मुझे शुद्ध करो, मुझे शुद्ध करो, क्योंकि उस जमाने के लोग कोढ़ियों को क्या समझते थे? वो अशुद्ध है, वो बहिष्कृत किया जाता था, समाज के बाहर निकालता जाता था, वो पापी है, अपराधी है। और इस लिए उन कोढ़ियों को समाज से बाहर निकाला गया जाता था। ये कोढ़ी क्या करते हैं? एक कोढ़ी क्या कहते हैं कि हम अशुद्ध है। और जो अशुद्धता से वो कोढ़ी क्या कहते हैं, मुझे शुद्ध किया जाए, यानी अपने पाप, अपने अपराध, अपने दोष, उसमें से हमें मुक्त किया जाए। और यही विनती हम सब यीशु के पास इस कोढ़ी जैसे नम्र होकर, विनम्रता से
प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शुद्ध कर। और आज इस संस्कार द्वारा कलीसिया हमें यही कहते हैं कि आप जो नौजवान है वो शुद्धता में बढ़ते रहे, आप इस शुद्धता में यानी पावित्रीकरण में बढ़ते रहे। और ये जो संस्कार है, ये संस्कार पवित्रता का संस्कार है कि हम पवित्रता में बढ़ते रहे। अभी मैं आपसे कई प्रश्न सवाल पूछने वाला, आप तैयार होंगे? मुझे पता है लास्ट ईयर में भी मैंने पूछा था तो सिस्टर लोग ने आपको पढ़ाई करके भेजा है आज, लेकिन मैं नए सवाल पूछने वाला हूँ। चलेंगे? तैयार है? ओके। पहला सवाल, व्हाट इज सैक्रामेंट? हम बोले संस्कार स्वीकारने वाले हैं तो संस्कार क्या है? लास्ट ईयर को बच्चे ने दिया था उत्तर, विजिबल साइन ऑफ इनविजिबल लव ऑफ गॉड। सो सिस्टर थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग देम, गिविंग देम दिस ट्रेनिंग। तो अभी विजिबल साइन, अभी क्या कहेंगे? तुम बोले विजिबल साइन ऑफ इनविजिबल लव ऑफ गॉड, मुझे नहीं कुछ समझा। आपको किसी को समझा क्या? ये नहीं समझा, वो लोग बोलते हैं विजिबल साइन ऑफ इनविजिबल लव ऑफ गॉड। तो क्या है, हम ईश्वर देख सकते हैं क्या? आपने किसी ने देखा है? नहीं। लेकिन आपने ईश्वर किस कहाँ देखा? हाँ, तो पहला सैक्रामेंट कौन है? विजिबल साइन तुम देखते हैं ना, वो ईश्वर इनविजिबल है, तो विजिबल कौन हो गया? दृश्य कौन हो गया? ईश्वर अदृश्य है, इसलिए हमारे दृश्य कौन हो गया हमारे लिए? जब तक ये हमारे दिमाग में आता नहीं तब तक समझेगा क्या आपके लिए? जीसस बिकम्स अ विजिबल साइन ऑफ गॉड्स इनविजिबल लव। अभी ये मैं कहता हूं क्या? नहीं, योहान शुभवर्तमान कहता है गॉड सो लव द वर्ल्ड। आगे क्या कहता है योहान? That he gave his only begotten son. God so loved the world. अभी ईश्वर का प्रेम हमें किस में देखते हैं हम? ईश्वर का प्रेम कहां प्रकट होता है? यीशु क्रिस्त में प्रकट होता है ना। God so loved the world that he gave his only beloved son। हम आंखों से देख सकेंगे या नहीं? इतिहास में लोगों ने देखा ना उसको, और कहा योहान बपतिस्ता क्या कहते हैं उसको देखकर? क्या कहते हैं उनके शिष्य को? कहते हैं उनके डिसाइपल को? कहते हैं एंड्रू को? क्या कहते हैं? सी द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। सी द लैम्ब ऑफ गॉड यानी किसका पुत्र है? वो ईश्वर का पुत्र है। और यहोवा ने जब बपतिस्मा दिया तो क्या कहा गया यीशु के लिए? क्या कहा गया बपतिस्मा के समय? यू आर माय बिलवेड सन, इन यू आई एम ब्लेस्ड। यू आर माय बिलवेड सन, इन यू आई एम वेल प्लीज। किसने कहा? पिता ईश्वर ने कहा। तो मेरे बच्चों, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहला बड़ा संस्कार किसने किया?
पिता परमेश्वर ने किसके द्वारा किया? यीशु क्रिस्त के द्वारा। पहला संस्कार आप समझे। और यीशु क्रिस्त ने क्या संस्कार किया? यीशु क्रिस्त ने क्या संस्कार दिया हमारे लिए? कौन दिया? जब तक ये समझते नहीं है ना, तब तक दूसरा, जब हम पहली इत्ता में पढ़ते हैं ना, उसके बाद ही कौन से स्टैंडर्ड में जाते हैं? दूसरे स्टैंडर्ड में ना। तो पहला क्या है? यीशु क्रिस्त किसका संस्कार है? पिता परमेश्वर का। और यीशु क्रिस्त का कौन सा संस्कार है? यीशु क्रिस्त ने कौन सा संस्कार किया हमारे लिए? कौन सा संस्कार दिया? क्या दिया हमारे लिए? मैं ऐसा किया तो उनको समझ गया, कलीसिया दिया। तो कलीसिया यीशु क्रिस्त का हमारे लिए संस्कार है। और कलीसिया ने हमें क्या दिए? क्या दिए? आप काहे के लिए आए हैं? क्या है? क्यों आए हैं? कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या है? सैक्रमेंट। सैक्रमेंट। तो कलि संस्कार कौन देता है हमें? कलीसिया देता है। तो कलीसिया हमें कितने संस्कार देता है? 7 संस्कार। तो समझ गया अभी लिंक। तो पहला संस्कार कौन है? यीशु क्रिस्त है। यीशु क्रिस्त के बाद कौन सा संस्कार है? दूसरा संस्कार कलीसिया। और कलीसिया हमें कितने संस्कार देता है? 7 संस्कार। अभी तक आप लोगों ने कितने संस्कार स्वीकारे? वो गिनती करता है ऊपर देख के। कितने संस्कार स्वीकारे? 3 ले ले। कौन से? बैप्टिज्म, यूक्रिस्ट एंड रेकंसिलिएशन। अभी कौन सा संस्कार ले रहे हैं? कॉन्फर्मेशन। और कितने बाकी है? और 3 बाकी है ना। आते हैं ना आप सबको? तो 7 संस्कार। अभी ये 7 ही क्यों देते हैं? संस्कार खाली 7 है क्या? आपके माता पिता आपके ऊपर हर रोज संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? आपसे वो क्या करते हैं? प्यार करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सैक्रमेंट इज अ विजिबल साइन ऑफ गॉड्स इनविजिबल लव। तो आपके माता पिता अपने और जो प्यार करते हैं, इसलिए आपको हर रोज संस्कार करते हैं, बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा कहते हैं ना हर रोज। जब आप छोटे थे हर रोज नहाते थे आपको, वो भी एक संस्कार है। और हर रोज आपके और संस्कार करते हैं, क्योंकि आप कैसे चले? कैसे चले? सीधे रास्ते पर चले, यहाँ वहाँ चले क्या? आड़े टेढ़े नहीं, तो आड़े टेढ़े बन जाएंगे। हम सीधे रास्ते पर चलने से ही हमारा जीवन बेहतर होता है। और यही आज के दूसरे पाठ में संत पॉल कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा में शुद्ध किए गए हैं, और इस शुद्धता के कारण आपने नया विधान आपके साथ बनाया गया है, और उस विधान के अनुसार हम चले। ये विधान का क्या है? यीशु ने क्या विधान दिया हमें? यीशु का क्या विधान था? यीशु ने नहीं विधान दिया, आज्ञा नहीं दी। पहली आज्ञा क्या थी यीशु की? क्या आप? मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको सोरो किसी के नहीं। बराबर है, लेकिन और
एग्जैक्ट क्या है? वही कहा, आई गिव यू कमांडमेंट, अ न्यू कमांडमेंट, लव वन अनदर. नो, दैट इज द कमांडमेंट जीसस गेव यू. और यह विधान जो एजेकेल ने कहा था ना, कि आपके साथ ये नया विधान होएगा, वो क्या विधान है? टू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू. और उसके बाद क्या कहते हैं? तो मैं जो आज्ञा आपको देता हूं, उस आज्ञा के मार्ग पर चले तो आपका जीवन बेहतर बने, जैसे वो कोड़ियों को कहा गया था. तो अभी ये छप छोड़ने वाला हूं, अभी आप स्वीकार लिए गए हैं, अब तालियां बजाकर हम लोग ने स्वीकार किया आपको संस्कार देने के लिए. ओके, हो गया. तो अभी ये संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार का जीवन में क्या परिवर्तित होना चाहिए? दृढ़ीकरण संस्कार का दूसरा नाम क्या है? इस संस्कार के बाद खत्म हो गया क्या? टू कन्फर्म ओनली फेथ, ओनली फेथ. तो हो गया, अभी कन्फर्म हो गया मतलब खत्म हो गया. शादी के लिए आएंगे. तो मैं लास्ट ईयर में भी बोला था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में फादर जी ध्यान में रखो, आप सभी को लिख के देना पड़ेगा. मैं नेक्स्ट ईयर से सब पैरिश में कंपलसरी करने जा रहा हूँ कि वो लिख के दे देंगे आप लोग, कि दृढ़ीकरण संस्कार के बाद हम सेवा में लगे रहेंगे. आप अभी समझदार बन गए तो फेथ हमारी श्रद्धा के दो बाजू है. कौन सा? पहला श्रद्धा का सिक्का है, समझो सिक्का है, श्रद्धा का सिक्का. सिक्का सच्चा है या बुरा है कैसे समझते हैं हम? उसके दो बाजू है. एक बात घिसार गई तो चलेगा क्या सिक्का? कोई लेगा क्या? नहीं लेगा. तो सिक्के के दो बाजू है श्रद्धा का. हमारे सिक्का, तुम लोग श्रद्धा के सिक्के हैं सब. तो तुम्हारे जीवन में दो पहलू होना चाहिए, दो भाग होना चाहिए. कौन से? आज के बाद पहला, हाँ वो कैसे होएगा? आप जो संस्कार लेते हैं उस संस्कार को अच्छा काबूत रखने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात, नाउ हाउ टू कीप योर फेथ अलाइव. दो बात होनी चाहिए टू कीप योर फेथ अलाइव. पहली बात, आज क्यों आए हैं आप? पूजा के लिए आए क्या? क्यों आए हैं? संस्कार करने को आए हैं. इसका मतलब हम प्रार्थना, हमारी श्रद्धा की ज्योत जलाने के लिए हमें प्रार्थना का तेल मांगता है. और वो ज्योत जो प्रकाश देता है किसके लिए देता है? जो उजाला देता है उसका क्या अर्थ है? दूसरी बात जो हमारे श्रद्धा के सिक्के की, वो परिपूर्ण होएगी क्या? देखो वही वही प्रॉब्लम है. अपना
अपना जो कैटेकिज्म है उसमें यही प्रॉब्लम है, हम आधा पढ़ते हैं, दूसरी बाजू एकदम सोपे है, सरल, खाली प्रार्थना करने से पूरी होती है क्या? वो क्या करना चाहिए? सेवा में लगे रहना चाहिए। तो दृढ़ीकरण लेने से आपका और अपने परिवार का यानी कलीसिया का उसमें बढ़ावा है, बढ़पन है। हम एक बात करते हैं, दूसरी करने को भूलते हैं। तो अभी मैं वो रूल करने जा रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का रूपांतर किस में होना चाहिए? सेवा में होना चाहिए। जब पेंटेकॉस्ट के दिन प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला तो उन लोगों ने क्या किया? घर में जाके बैठे क्या? वो बाहर निकल के सेवा में लगे रहे, कलीसिया की लोगों की सेवा उन लोगों ने की। तो ये पवित्र आत्मा सेवा का आत्मा है, पवित्र आत्मा नया जीवन का आत्मा है, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। और वो बदलाव क्या है? सेवा। तो मैं अभी तुरंत आप लोगों के हर साल में बोलता हूं लेकिन करता नहीं, अभी आप लोगों के साथ मैं नया विधान करने जा रहा हूं। जैसे एजेकिल ने कहा था ना वो विधान, कि आप अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें लिख के देना पड़ेगा कि मैं एक हफ्ता में हर संडे को मिसा में आएंगे ना जरूर। हाँ फादर ऐसे ऐसे करते हैं, आएगा मतलब ऐसा होना चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे करते तो हर संडे को मिसा को आएगा, एक दो घंटा देंगे प्रार्थना के लिए। तो दो एक घंटा क्या देंगे? करेंगे सेवा, करेंगे नहीं करेंगे, यस बोलते हैं सब, बोलते नहीं जरूर। देखो आप सभी लोगों ने सुना है, या आपके घर में माता पिता की घर के दादा दीदी की अम्मा अम्मी की सेवा करना चाहिए, नहीं तो ये देख क्वायर में सब अभी बूढ़े लोग दिखते हैं, चार ही लोग हैं उधर क्वायर में, खाली चार लोग हैं, ये रिटायर लोग होना चाहिए क्वायर में, क्यों नहीं? इधर पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, अल्तार सेवा करने के लिए, युवा मंडल में कितने लोग हैं फादर जी? हाँ खाली 100 है। इस पूरे पल्ली में 700 युवा है, मेरे पास रिकॉर्ड है और ज़्यादा निकालने जा रहा हूँ मैं जल्दी। 700 में से खाली 100 आते हैं, 100 का नाम लिखा है। मीटिंग के लिए कितने आते हैं? 15-20 आते हैं। अभी क्वायर में देखा चार बैठे हैं ना उधर, चार ही है बराबर, चार या पांच लोग हैं, वो एक बाजा बजाने वाला है और हम सब सुनने के लिए आते हैं। हम हंसते हैं लेकिन हमारे कलीसिया की स्थिति ये है, हंसने लायक स्थिति बन गई है, बराबर ना? और किसने बनाई ये? हम सभी लोगों ने जो दृढ़ीकरण स्वीकारने के लिए आए हैं। तो अभी कैसा होगा? आपके माता पिता ने आपको लाया, आप लोगों की संतान इधर आएगी क्या? बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, बराबर है ना? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम संस्कार लेते हैं कलीसिया से, संस्कार लेते हैं तो कलीसिया को, कलीसिया कौन है? ये कलीसिया है क्या? ये कलीसिया है, कौन है कलीसिया? हम सभी लोग मिलके कलीसिया बनती है।
और कलीसिया की जिम्मेदारी है कि ये संस्कार को जीवंत रखना, ये संस्कार को आगे ले जाना, आने वाली पीढ़ी को देना, ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें क्या दिया जाता है? पवित्र आत्मा दिया जाता है कि जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन 12 प्रेरितों ने वो संस्कार लिया और वो बाहर निकले और 12 लोगों ने सारी दुनिया को यीशु क्रिस्त का संदेश दिया। हम 28 लोग हैं, 28 हम करेंगे क्या ये? तो हमें यही प्रार्थना और सेवा में लगे रहने के लिए ये संस्कार दिया जाता है। जैसे आज के पहले पाठ में यह जिकल संदेश ने कहा कि आप को जिस नया हृदय दिया जाएगा, उस हृदय के प्रेरणा से आप ईश्वर के मार्ग पर चले। वो पाठ आप घर जाके फिर एक बार पढ़े और हम जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चलना चाहिए, हमारे सभी रिश्तेदार जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सभी लोग आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना के द्वारा हम हमारा विश्वास प्रकट करके हम इस पवित्र आत्मा को स्वीकारने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हम स्तब्ध होकर एक मिनट शांत होकर हमारे आंखें बंद कर ले और ईश्वर के पास पवित्र आत्मा आने के लिए हमारा हृदय, हमारा मन तन खोलकर ईश्वर का आत्मा स्वीकारने के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब हमारा विश्वास घोषित करने के लिए खड़े हो जाएं। आपका पहली बार जवाब है जी हाँ मैं त्याग करता हूँ, और उसके बाद 4 बार हम कहेंगे जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, उन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, उन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पौष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन को पाया है और अनंत जीवन के लिए नवजन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करें और अपने अभिजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र
कृष्ण के अनुरूप बना दे। अभी सभी उम्मीदवार अपने सर झुकाकर पवित्र आत्मा का स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी लोग अपना बायां हाथ उठाकर इन्हें पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवकों और सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दासता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के साथों वरदान देने की कृपा कर, प्रज्ञा और विवेक का दान, परमार्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कैरल पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अलीना, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अनुपमा, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। जास्मिन, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। बरसाओ पावन आत्मा, बरसाओ बरसाओ प्रभु, बरसाओ पावन आत्मा, बरसाओ बरसाओ प्रभु, बरसाओ पावन आत्मा, बरसाओ। Oh, okay.
विश्वासियों का निवेदन हमारी प्रार्थना सादर करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय बनकर और सजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। हम एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने वाले सभी सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें पवित्र आत्मा ने विश्वास में दृढ़ किया है। हम सभी धर्म और प्रेम में सुदृढ़ होकर अपने चाल चलन से क्रिस्त का प्रचार कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। टुडे वी प्रे फॉर ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर that we may be drawn into a fuller relationship with Christ, that we may see an increase in religious vocations, a deeper cooperation and faith in the worldwide synod, and a growth in compassion for all church ministries. For this we pray. Lord, hear our prayer.
संत पिता फ्रांसिस अपने धर्माध्यक्ष एलायस गोंसाल्वेस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों तथा ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा एक होकर अपने प्रभु के आगमन तक वह विश्वास और प्रेम में बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। We pray for our parish that we may cultivate welcome, extend hospitality, and encourage the participation of people of all cultures, ethnicities, and backgrounds. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. हम अपने पल्ली के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं और क्रिस्तीय जीवन में पवित्र संस्कारों की अहमियत को समझकर आगे बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। वी प्रेड वी रिमेंबर द वॉर विक्टिम्स ऑफ इज़राइल एंड पैलेस्टाइन। मे दे फाइंड सोलेस इन द मिडस्ट ऑफ सफरिंग एंड मे पीस प्रिवेल इन देयर लैंड्स। वी प्रे फॉर एन एंड ऑफ वायलेंस एंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिकन्सिलिएशन in the region. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. हम सभी धर्म शिक्षों के लिए प्रार्थना करें जो बच्चों को धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और पवित्र आत्मा की कृपा से वे उत्साहपूर्वक बच्चों को ईश्वर के करीब लाने के इस कार्यों को निरंतर करते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। फॉर एन एंड टू द वायलेंस परपेट्रेटेड बाय हार्श वर्ड्स, डेडली वेपन्स और कोल्ड इंडिफरेंसेस, मे आर होम्स, आर नेशंस एंड कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बिकम हेवन्स ऑफ पीस। फॉर दिस वी प्रे, लॉर्ड हियर आवर प्रेयर। जिन व्यक्तियों ने दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किया है उनके माता पिता के लिए हम प्रार्थना करें। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी धर्म शिक्षा दी है, आप भी उन्हें अच्छे आचरण द्वारा ख्रीस्त का अनुकरण करने की प्रेरणा देते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। Lord, we pray that you send your Holy Spirit to strengthen us so that we may always show reverence for the gifts that God has given us. We thank you for the gift of life, the world we live in all who share it with us in love. For this we pray. Lord, hear our prayer. हम थोड़ी देर शांत होकर अपने अपने निजी प्रार्थनाओं के लिए, अपने वैयक्तिक पारिवारिक हमारे समूह के यानी पल्ली के लिए, धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभो, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने पवित्र आत्मा के कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जीवन तेरा प्रभु स्वीकार कर मेरा राम,
मेरा प्रभु, ग्रहण तू कर मेरा दान। ये मेरा जीवन तेरा प्रभु, स्वीकार कर मेरा दान। ये मेरा धन मन तेरा प्रभु, ग्रहण तू कर मेरा दान। पावन कर दे, स्वीकार कर दे, शोध मुझे कर दे। पावन कर दे, स्वीकार कर दे, शोध मुझे कर दे। प्रभु तेरा ही तेरा प्रभु, ये मेरा तन मन तेरा प्रभु, तेरा ही तेरा प्रभु। Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and the glory of His name, for our good and the good of all His holy church. हे प्रभो, अपने भक्तों की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। अपने मुक्ति कार्य द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकाधिक उन्हीं के अनुरूप बनते जाएं और उत्साहपूर्वक
उनका साक्ष्य देते रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतगणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। इसलिए हम सब स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं। पावन पावन हे प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, पावन हे प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। पावन हे प्रभु, ओ प्रभु की पावन हे प्रभु, उच्च स्वर्ग में जय जयकार। हुजाना 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 हुजाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते पावन हे प्रभु, ओ प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। हुजाना 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 हुजाना। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात
को यीशु मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग रोहन का पुण्य स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात चोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों संत मार्टिन द पोरस और सब संतों के साथ हम भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दिल रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे।
और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए ये परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंतकाल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा राज्य में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, तो हम अपने पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानि युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तुझे संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तुझे संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
की लड़ियों ने श्रद्धा की रुत बांधी, बंधी सुरंगों में भक्ति की धुन जागी, सांसों की लड़ियों ने श्रद्धा की रुत बांधी। मेरे नाथ मेरे नाथ the gift of counsel to make difficult decisions,
the gift of knowledge and understanding, to use my mind to know you and to love you. The gift of fortitude, to have the courage to live in the faith despite the difficulties and disappointments. The gift of piety, to be able to express my special love and commit to you. And the right kind of awesome fear that makes me pause to wonder and revere God's love. Amen. Hum prarthna kare. हे प्रभु अपने भक्तों को आशीर्वाद देता रहे, इन्हें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सारी विघ्न बाधाओं पर विजयी होकर अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलीसिया को हर्षित करें और अपने परोपकार कर्मों द्वारा, अपने सेवा कार्य द्वारा संसार में इसका विस्तार करें। यह हमारी दीन याचना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया बैठ जाइए। सूचनाएं, प्री बैप्टिज्मल क्लासेस 17, 18, 24 और 25 फरवरी को पास्टरल सेंटर बिशप हाउस में रखा गया है। शाम 5 बजे से 6:30 बजे का टाइमिंग है। इसलिए जो जो माता पिता अपने बच्चों को बपतिस्मा देने जा रहे हैं, इस प्री बैप्टिज्मल क्लास में अवश्य शामिल हो। और आखिरी दिन का सेशन माता पिता के साथ साथ धर्म माता पिता को भी अटेंड करना अनिवार्य है। वर वधु परिचय सम्मेलन 18 फरवरी को पास्टरल सेंटर बिशप हाउस में रखा गया है, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। मैरिज प्रिपरेशन कोर्स 2nd और 3rd मार्च को पास्टरल सेंटर बिशप हाउस में रखा गया है। प्रोविडेंस डीएड कॉलेज में बालक येसु का पर्व 24 फरवरी को सुबह 10 बजे मनाया जाएगा और इसके आदर में 15 से 23 फरवरी तक नोवेना रखा गया है सुबह 9 बजे प्रोविडेंस कॉलेज में। आप सभी का नोवेना मिस्सा में और पर्व के मिस्सा में स्वागत है। कल 11 फरवरी लूर्द की मां मरियम का पर्व दिवस है। हमारे पल्ली में सुबह 3 मिस्सा होगा। पहला मिस्सा सुबह 6 बजे, दूसरा 7:15 बजे और तीसरा मिस्सा 8:30 बजे। ध्यान दीजिए, शाम का मिस्सा नहीं रहेगा। आने वाले संडे को विंसेंट डी पॉल के सभी सदस्य मिस्सा के तुरंत बाद आउटडोर कलेक्शन करेंगे और अभी मिस्सा का टाइमिंग चेंज हो गया है। डेली मिस्सा सुबह का 6 बजे और शाम भी 6 बजे। सैटरडे का सुबह का मिस्सा 6 बजे है, शाम का मिस्सा 5:30 बजे और संडे का पहला मिस्सा सुबह 6 बजे, दूसरा मिस्सा 7:15 बजे, तीसरा मिस्सा 8:30 बजे और शाम का मिस्सा 5:30 बजे। लास्ट संडे का मिस्सा का कलेक्शन हुआ था 16,542 रुपीस। ईश्वर आप सबों को आपकी उदारता के लिए आशीष प्रदान करें। 14 फरवरी को आइस वेनेसडे राख बुधवार है, उपवास और परहेज का दिन। उस दिन का मिस्सा का टाइमिंग इस प्रकार है। हमारे पल्ली में सुबह का पहला मिस्सा 6 बजे, दूसरा मिस्सा सुबह 8 बजे, तीसरा मिस्सा दोपहर 3:30 बजे और चौथा मिस्सा शाम को 5:30 बजे। फ्राइडे और वेनेसडे को क्रूज का रास्ता होगा सुबह के मिस्सा के तुरंत बाद और दोपहर 3:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। 7, 8, 9 और 10 मार्च को हमारे पल्ली में लेंटन रिट्रीट रखा गया है। पंजाब से 5 सदस्य
रिट्रीट देने के लिए आ रहे हैं और इस रिट्रीट को सफल बनाने के लिए हमें आपकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसलिए एरिया कलेक्टर्स आपके घरों में रिट्रीट का रिसिप्ट लेकर आएंगे। कृपया आप उदारतापूर्वक उन्हें दान दीजिए ताकि हम रिट्रीट को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। और एरिया कलेक्टर्स से निवेदन है कि आप सभी पल्ली ऑफिस से चालीसा का लीफलेट कलेक्ट कर परिवार में बांट दीजिए। नेक्स्ट संडे का मिस्सा का संचालन इस प्रकार किया जाएगा, सुबह 6:15 का मिस्सा गुड शेपर्ड सिस्टर्स के द्वारा, 7:30 बजे का मिस्सा वैशाली नगर, जसवंत नगर, बाला बाहूपेट, लघु वेतन कॉलोनी, टेका नाका और चौकस कॉलोनी के परिवार के द्वारा, सुबह 8:30 बजे का मिस्सा स्नेहदीप कॉलोनी और लूद माता नगर के परिवार के द्वारा, शाम 5:30 बजे का मिस्सा हुड़को कॉलोनी ए और बी, भीम चौक, मिसल लेआउट, विश्वास नगर, खुशी नगर, नागार्जुन कॉलोनी और पावर ग्रिड के परिवार के द्वारा। सबों को जय शिव। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस धन्यवाद के 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज यह दिन हमको दिया और आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं विशेष रूप से ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो कुछ क्षण हम मौन रहकर ईश्वर को धन्यवाद दें। अगला मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आर्च बिशप एलायस गोंजाल्वेस जी को, जो आज हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं इस दृढ़करण संस्कार के लिए। अपना कीमती समय निकालकर, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, फिर भी आज हमारे पैरिश में आए हैं, तो मैं हमारे बिशप जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ और ज़ोरदार तालियां हमारे बिशप जी के लिए। मैं फादर यशुराज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा उपहार हमारे बिशप स्वामी जी को दीजिए। फादर यशुराज, कुछ फ्रूट्स है सेहत के लिए, अच्छा है। अगला धन्यवाद देता हूँ बिशप के साथ में हमारे सेक्रेटरी भी आए हैं, बिशप के सेक्रेटरी, तो फादर एंथनी जीवियर को भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर जी, थैंक यू सो मच। अगला धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बच्चों को जो पूरा ऑर्गेनाइज किए हैं यहाँ पे आज के इस कन्फर्मेशन के लिए, विशेष रूप से जूलियस, विवियन और सिस्टर कृपा, हम उन्हें भी विशेष धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। और करीबन 1 महीने से इनके लिए कन्फर्मेशन का क्लास चल रहा था और अलग अलग फादर्स, सिस्टर्स और बाकी काफ़ी सारे लोग 2-2 दिन इनके लिए क्लास लेने के लिए शाम को 1 घंटा यहाँ पे आते थे, तो हम सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। अगला धन्यवाद देता हूँ जितने भी फादर लोग यहाँ पे कन्फेशन के लिए आए थे, इनका कन्फेशन सुनने के लिए भी, हम उन्हें भी विशेष धन्यवाद देते हैं। अगला धन्यवाद देता हूँ हमारे क्वायर टीम को, साइमन जेम्स और उनके सभी सदस्यों को। थैंक यू सो मच साइमन, थैंक यू। अगला धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पे जो डेकोरेशन किया गया है वो है, उसका नाम भी साइमन ही है, बट नॉट दिस साइमन, अनदर साइमन, तो जिन्होंने यहाँ पे आके आज का यहाँ का वेदी का सजावट किया है, हम उन्हें भी विशेष धन्यवाद देते हैं। अगला धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो इन बच्चों के माता पिता हैं और सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे आज का इस दिन को यहाँ पे सुंदर बनाने के लिए काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स, बहुत कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे लाए हैं, और हर चीज़ के लिए भी विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स। अगला धन्यवाद देता हूँ हमारे डायसिस के मीडिया टीम में भी काफ़ी सारे लोग हैं और हमारे मार्टिन नगर के भी मीडिया टीम में भी है, तो मार्टिन नगर के मीडिया टीम में रॉबिन है, प्रेम है, और डायसेशन मीडिया टीम में रेमंड है, और हेल्प करने के लिए बोनी भी है, तो इन सभी लोगों को भी आज के इस लाइव टेलीकास्ट के लिए भी धन्यवाद।
अगला धन्यवाद देता हूँ हमारे सैक्रिस्टियन किशोर भैया को भी, विशेष धन्यवाद जो सुबह से शाम आप जानते ही हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पे उनके लिए भी जोरदार तालियाँ। अगला धन्यवाद हमारे ऑल्टर सर्वर को भी, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं सब लोग यहाँ पे, तो उनके लिए भी जोरदार तालियाँ बजाइए। अगला धन्यवाद फादर अगस्टिन के लिए भी, जो बच्चों के लिए पूरा सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ज़ोरदार तालियाँ फादर अगस्टिन के लिए। और ओवरऑल सभी के बैकबोन फादर यीशुराज के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाइए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। As we confirm our faith today, we would like to take this opportunity to thank loving Father for His love and blessings that He has showed upon us. Special thanks to Most Reverend Archbishop Elias Gonzalez, through whom we received this sacrament of confirmation. We thank our parish priest, all the fathers, sisters, and teachers who helped us in preparation for confirmation and helped us in making this day very special. We also thank our godparents for whom stood us today as we confirmed our faith. We thank our parents through whom we experienced the godly love. We are very grateful to all the parishioners who are present here today to bless us and show their love towards us. Thank you all. May the Spirit of God be with us all. Martin Logo Nagar ke log taliya bajane mein bahut behtar hai. Itne taliya bajate hai ki upar se barish chhat nikal jayega lagta hai. तो आप अभी खड़े होकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने पितृ सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। आमीन। ईश्वर का इकलौता पुत्र आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में विद्यमान हो रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग दृढ़ता पूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा करते रहे। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसी ने शिष्यों को हृदय अपनी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको पाप से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
लगे जैसे तेरा चल। माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल, नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा चल। माँ मरियम साया तेरा मेरे हर पल, ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा चल। माँ मरियम सा